हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को साल्ट एनालिसिस के बारे में, और साल्ट एनालिसिस में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि साल्ट एनालिसिस में सबसे हमको अननोन साल्ट नहीं पता रहता, अननोन साल्ट मिलता है और उस अननोन साल्ट को पता करना होता है कि ये किस टाइप का साल्ट है, साल्ट कौन सा है। ठीक, अब सुनो, उसे बोलते हैं हम साल्ट एनालिसिस। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ग्रुप के बारे में, ग्रुप के बारे में बताया था आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या, सबसे पहले बताया था मैंने उसके बारे में, क्या बोलते हैं अपन, आपका हो गया एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अगर मैं बात करूं, एसिडिक रेडिकल बता दिया था, कंफर्म हो चुका था, बेसिक रेडिकल भी कंफर्म हो चुका था। अब मैं बात करा, उसके बाद बताया था मैंने आपको कि टेस्ट करके कि कैसे इसमें से गैस इवॉल्व होती है, क्या करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं जो गैस रिलीज कर रहा था, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो बताया था उसमें सब कुछ बताया था जो अभी बताने वाला था। ठीक ना, अब सुनो इसमें क्या है, अब मैं जो अभी बताने वाला हूं ये क्या है आपका, इसका नाम है प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है आपका, तो ये हमारा स्टार्टिंग का टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले अपन करते क्या है, ग्रुप फर्स्ट की बात करूं मैं, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और टेस्ट ट्यूब लेकर के क्या करते हैं, उसमें हम साल्ट लेते हैं, और साल्ट लेने के बाद उसमें हम डालेंगे डायलूट HCl और डालेंगे उसमें क्या, डायलूट H2SO4। जब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डायलूट HCl और डायलूट H2SO4 इसमें डालेंगे तो होगा क्या, उसमें से गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, गैस। और मैंने बताया था अगर गैस रिलीज हो रही है डायलूट डालने के बाद तो फर्स्ट ग्रुप अनायन प्रेजेंट है उसमें। ठीक ना, ये मैंने बताया था। अब फर्स्ट ग्रुप अनायन प्रेजेंट है और क्या डालेंगे उसमें, डायलूट HCl या डायलूट H2SO4 डिपेंड ऑन यू। अब यहां से गैस क्या होगा, रिलीज होगा। जो गैस रिलीज होगा, अगर इसमें से CO2 गैस रिलीज हो रही है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस होगा, ब्रिस्क इफर्वेंस के साथ वो निकलेगा। ब्रिस्क इफर्वेंस मतलब ब्रिस्क बुलबुले बनाते हुए, ब्रिस्क इफर्वेंस के साथ। फिर यहाँ क्या हुआ, अगर वो गैस CH3COH होगा, इस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में होगा CH3COH के, तो वो तुम्हारा होगा कलरलेस और विनेगर स्मेल उसमें से निकलेगा। ठीक ना, विनेगर स्मेल। अगर वो उसमें NO2 निकल रहा है तो ब्राउन गैस निकलेगा, ब्राउन गैस निकल गया तो समझ जाएंगे उसमें NO2 है। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अभी उसमें से जो गैस निकल रहा होगा वो ये SO2S निकल सकता है, ये तुम्हारा कलरलेस पंजेंट स्मेल का होगा। उसमें से SO2 ओनली निकल सकता है, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और पंजेंट स्मेल होगा। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अब इसके जस्ट बाद अब क्या होता है, इसमें एक एक ग्रुप का टेस्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी प्रिलिमिनरी टेस्ट, फिर इसके बाद क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है आपका, ध्यान से देखिए एक-एक पॉइंट। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होगा, ग्रुप फर्स्ट की मैं बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट में आपका मैं लेता हूं सबसे पहले CO32-, ये ग्रुप फर्स्ट में होता है, एनायनिक ग्रुप फर्स्ट। अगर एनायनिक ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो इसमें होता है कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन की पहले बात करता हूं, कैसे कंफर्म करें कार्बोनेट आयन है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करते थे, टेस्ट ट्यूब लेते थे, उसमें साल्ट लेते थे, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते थे, गैस रिलीज होती थी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बता रहा हूं, होता क्या है कि अगर किसी साल्ट के अंदर CO32- प्रेजेंट है तो उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद उसमें से CO2 गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। और अभी इसके पहले वाली वीडियो में जस्ट बताया था कि अगर CO2 गैस रिलीज हो रही है तो कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, बता दिया था ना। एकदम ध्यान से देखना एक पॉइंट, मैंने कहा अगर साल्ट के अंदर CO32- प्रेजेंट होगा, उसमें H2SO4 डालने के बाद उसमें से जो गैस रिलीज होगी वो कौन सा गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। इतना कंफर्म हो गया, ठीक ना। अब CO2 गैस रिलीज होगी, अगर इस CO2 गैस को हम पास कराएं किसके थ्रू, तो लाइम वाटर के थ्रू। अगर लाइम वाटर के थ्रू इस CO2 गैस को पास कराएं तो पास कराने से क्या होगा, इसमें बन जाएगा CaCO3। क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये मिल्की कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर ये शो करने लगेगा, और हम ये समझ जाएंगे कि इसमें CO3 2- प्रेजेंट है। क्या कंफर्म है कि इसमें CO3 2- है। फिर बोल रहा हूँ CO3 2- को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट H2SO4 डालेंगे तो उसमें CO2 गैस रिलीज होगी। अगर CO2 गैस रिलीज होगी तो ये ऑर्डरलेस होगा, कलरलेस होगा, और इसमें हम लोग पास कराएंगे इसको किससे, इससे पास कराएंगे हम लोग लाइम वाटर से। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, इसे प्लीज रिमेंबर इट। अगर एक्सेस में CO2 और वाटर ले लें, एक्सेस में पास कराएं तो बनेगा CaHCO3 का ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब ये सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो सोल्यूबल होगा। क्या होगा, सोल्यूबल होगा। फिर बोल रहा हूँ यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का बनेगा, यहाँ अगर एक्सेस में CO2 और वाटर ले लेंगे तो इस कंडीशन में आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक ना, और जो कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। बस यही आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, किसका, CO3 2- का। ठीक, इन सब पे मैं ऐसे तो बता दिया मैंने, ठीक, अब इसको मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, राइट इट। अभी जस्ट बात कर रहा था, किसके बारे में बताया था, साल्ट एनालिसिस के बारे में। अभी मैंने जो स्टेप बताया था, ठीक ना, कंफर्मेटरी टेस्ट CO3 2- का, ठीक ना। आप कंफर्मेटरी टेस्ट CO3 2- का कैसे करते हैं, तो ये आपका साल्ट रहा, ठीक है ना।
अब इस साल्ट में CO3 2- प्रेजेंट है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक ना। अब मैं करूँगा एकदम ध्यान से देखना, एक एक स्टेप देखना कैसे करूंगा, ठीक ना। अब जब तुमको करना होगा ना भाई, तो ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। अब सुनो, ध्यान से बता रहा हूँ, हमको तो पता नहीं रहेगा साल्ट कौन सा है, लेकिन फिर भी अभी मैं बता के कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे करके, ठीक ना, कि इसका हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो आप करेंगे ना स्टेप वाइज तो हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये आपका साल्ट है, ठीक। इस साल्ट को लेने के जस्ट बाद क्या कर, अब मैंने कहा ना कि ये आपका क्या था, टेस्ट ट्यूब होल्डर था, ये आपका ड्रॉपर था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्पेचुला के थ्रो, ठीक ना, इस साल्ट को ले लूंगा और लेने के बाद इसमें डाल रहा हूँ, ठीक। ध्यान दीजिएगा, साल्ट ले लिया और लेने के जस्ट बाद अब क्या करते हैं अपन, ये ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर के थ्रो डाइल्यूट HCl, देखना ना, डाइल्यूट HCl को अपन लेते हैं और लेने के बाद इस डाइल्यूट HCl को इसमें डोप करेंगे। जैसे करेंगे ना भाई, देखो डाइल्यूट HCl डाला, इसमें से इफर्वेंस आने लगा, देखो इफर्वेंस, ब्रिस्क इफर्वेंस, और इसमें से गैस रिलीज होने लगी ब्रिस्क इफर्वेंस के साथ। अब ब्रिस्क इफर्वेंस के साथ इसमें से गैस रिलीज होगी। अब मैं क्या करा, इसके बाद इसमें मैं क्या करूंगा, ये देखिए, इसको बोलते हैं अपन लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अभी मैंने कहा था ना, अब लाइम वाटर इसमें क्या करेंगे अपन, डालेंगे लाइम वाटर। जैसे लाइम वाटर डालेंगे ना, इस ये जो होगा ना, देखो मिल्की हो गया, मिल्की, देखो मिल्की कलर का हो जाएगा। जैसे मिल्की कलर का हो जाएगा, इसके मतलब यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये आपका क्या है, इसमें CO3 2- प्रेजेंट है। CO3 2- क्या है, प्रेजेंट है, मिल्की कलर का। देखो जब मिल्की कलर का हो जाए, CO3 2- प्रेजेंट है इसमें, ठीक। और इसमें गैस रिलीज हो रही थी डायल्यूट पे, इसलिए इसमें क्या था, फर्स्ट ग्रुप अनायन प्रेजेंट था। अब फर्स्ट ग्रुप अनायन प्रेजेंट था कौन था, तो मैंने क्या किया, पहले इसमें लाइम वाटर डाला, जब डाला ना इस गैस के थ्रू पास कराया, तो ये मिल्की हो गया। अगर ये मिल्की नहीं होता, इसके मतलब इसमें CO3 2- प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये मिल्की हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर CO3 2- प्रेजेंट है। ओके, ऐसे करना है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था, साल्ट में से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा डाइल्यूट H2 सपोर्ट डालने पर। देखो कैसे होता है रिएक्शन, अगर मैं मान लूँ सपोज CO CO3 की बात करूँ और इसकी रिएक्शन में करा दूँ H2SO4 से, ठीक, डाइल्यूट H2SO4, जब रिएक्शन कराऊंगा ना मैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि इसको मैं अगर ब्रेकअप करो तो Ca2+ और यहाँ बनेगा CO3 2-, और इसको अगेन ब्रेकअप करो तो यहाँ बनेगा आपका CO2 और यहाँ बनेगा O2-। ये देख रहे हैं ना CO2, यानी इसमें से निकल गया CO2 गैस, ठीक। अब देखिए इसको ब्रेकअप करिए तो ये बनेगा 2H+ और यहाँ बनेगा SO4 2-। पता है आपको, ये तुम्हारा 2H है ना, ये ऑक्सीजन से प्यार करके बना लेगा H2O। क्या बनाएगा यहाँ पे, H2O बना लेगा। बचा आपके पास कौन, CA, और क्या बच गया, SO4, और ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, CaSO4, यहाँ बन जाएगा CaSO4। अब देख रहे हैं ना, ये साल्ट था, ये H2SO4 था, ये साल्ट H2SO4 जब रिएक्ट किया तो इसमें से क्या निकल रहा है, रिलीज हो रहा है CO2 गैस। तो अभी मैंने बता रहा था ना कि इसमें से गैस रिलीज जो होगी कौन सा होगी, CO2, कब, जब CO3 2- प्रेजेंट होगा। अब समझ में आ गया ना, CO3 2- प्रेजेंट है तो CO2 गैस क्यों रिलीज हो रही है, देखो रहे हो ना कैसे बन रहा है, यस, ऐसे ऐसे CO2 गैस रिलीज होती है, राइट इट।